अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डाइटिशियन महानवीद। उम्मीद है आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैं वेट लॉस पर बात करूं, वेट गेन पर बात करूं, स्किन पर बात करूं या वेट स्टक पर बात करूं। तो उन सब पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमने ईद पर अपनी डाइट को मैनेज कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। 3-4 दिनों में इंशाल्लाह ईद होगी, तो मैंने सोचा ईद से पहले ही आपको गाइड कर दूं कि ईद पर आपने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। इस ईद पर बेसिकली गेट टुगेदर्स होते हैं, दावतें शावतें होती हैं, दोस्त अहबाब का आना जाना होता है, और अगर इस सब में आप डाइट करेंगे तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो साल में 2 दफ़ा तो ईद आती है, उसमें भी अगर आप डाइट करेंगे तो ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए इस ईद पर आपने ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं करनी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स हैं जिसका आपने खास ख्याल रखना है, और आज उसी पर मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले ये कि इस ईद पर जब दावतें वगैरह होंगी या रिलेटिव्स का आना जाना होगा, तो आपने ये नहीं करना कि मैं ये नहीं खा सकती या वो नहीं खा सकती बिकॉज मैं डाइट पर हूँ। नहीं, आप खाएं, सब खाएं। व्हाट आई वांट यू टू डू इज टू कीप मॉडरेशन, पोर्शन साइज का खास ख्याल रखें और ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें। अच्छा, इस ईद पर आपने ये भी नहीं करना कि मैं अपने लिए कोई सेपरेट खाना बनाए, जिस तरह नॉर्मली आप डाइट्स में करते हैं कि आपकी स्पेसिफिक एक डाइट होती है, स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह से 3-4 दिन आपकी आज़ादी के दिन है, 3-4 दिन आपकी मुकम्मल छुट्टी है डाइट से। वैसे भी हम लोग को चाहिए कि जब हम 1 मंथ की डाइट कर लेते हैं तो हम लोग अपनी बॉडी को एटलीस्ट 1 वीक का रेस्ट दें। हमें चाहिए कि अपनी बॉडी को 1 वीक मेंटेनेंस कैलोरीज में खिलाएं एंड देन दोबारा डाइट पे जाएं। तो इसी तरह आपने इस दफ़ा ईद पर भी 3-4 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट देना है एंड दोबारा अपनी डाइट को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने इस ईद पर अपनी डाइट को मैनेज कैसे करना है। इस ईद पर बेसिकली मटन, बीफ इन सब की कंजप्शन ज़्यादा होती है, तो आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप मटन और बीफ के साथ वेजिटेबल का भी एक पोर्शन लाजमी लें। आइदर वो कोकम्बर, अनियन, टोमेटो इसकी सोर्स में हो या स्टीम वेजिटेबल्स हो, लेकिन आपकी प्लेट में अगर एक पोर्शन बीफ और मटन का है तो साथ में वेजिटेबल का भी एक पोर्शन लाजमी हो, ठीक है। इस तरह आपने अपने प्रोटीन पोर्शन को बैलेंस करना है। अब आ जाते हैं फैट्स की बात पर। आपने इधर इन 3-4 दिनों में दूध या चीज़ या हाई फैट ऑयल्स वगैरह को नहीं यूज़ करना, बिकॉज ऑलरेडी बीफ और मटन के अंदर बहुत हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो अगर इनके साथ आप अदर डेयरी सोर्सेज या अदर फैट सोर्सेज भी यूज़ करेंगी तो ये बहुत हैवी हो जाएगा और आपके वेट लॉस प्रोग्रेस पर अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इनकी कंजप्शन थोड़ी कम कर देनी है। कोशिश करें कि ऑयल्स वगैरह कम यूज़ करें एंड जो मटन एंड बीफ भी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी कोशिश करें कि बारबेक्यू फॉर्म में या ग्रिल फॉर्म में ही यूज़ करें। लास्ट चीज़ है कार्ब्स की। कार्ब में फॉर एग्जांपल अगर आपने राइस लेने हैं, घर में राइस बने हैं, तो जो प्लेट्स होती हैं उसमें जो सबसे छोटी प्लेट होती है ऑलमोस्ट 7-8 इंचज़ की, आप वो वाली एक प्लेट ले सकते हैं और साथ में सैलड ले लें, वेजिटेबल सैलड, ठीक है। या अगर रोटी बनी है तो आप 6-8 इंचज़ की एक रोटी भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेने हैं, फैट भी लेने हैं, तीनों सोर्सेज लेने हैं, बट मॉडरेशन इज़ द की। अगर आपने मीठे की कंजप्शन करनी है तो वो भी कोशिश करें बहुत मॉडरेशन में हो और 3-5 टेबल स्पून से ज़्यादा मीठा ना लें आप। आल्सो इट कैन हैपन कि ईद के बाद जो आपका वाटर वेट है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हम लोग की ऑफकोर्स बात है नॉर्मल से ज़्यादा इंटेक होगी और हम लोग जो कार्ब और मीट बीफ की कंजप्शन है वो भी हमारी इंक्रीज़ होगी, तो हमारा इस तरह हो सकता है कि जो वाटर वेट है वो इंक्रीज़ हो जाए और जिसकी वजह से वेट स्केल पर 1-2 kgs इंक्रीज़ शो कर रहा हो हमें। लेकिन आपने इस पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई फिक्र नहीं करनी, बिकॉज ये जस्ट वाटर वेट है एंड ये जब आप ईद के बाद अपनी नॉर्मल डाइट्स पाएंगे तो ये खुद ही कम हो जाएगा। आल्सो द एंड ऑफ डिस्कशन इज के इन 3-4 दिनों को आपने एज अ चीट डे नहीं ट्रीट करना, बल्कि यू कैन से कि इट्स अ स्मार्ट ईटिंग और आपने इसको इसी तरह कैरी आउट करना है और इसी तरह ट्रीट करना है, ठीक है जी। आप लोग को पता ही है क्या हेल्थी फूड्स हैं, क्या हेल्थी फूड्स नहीं है, तो आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग इस 3-4 दिनों को अच्छे से कैरी आउट करें और जब ये ईद ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप अपनी नॉर्मल डाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि ये सारी बातें तो थी वेट लॉस और वेट गेन लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूँगी जो नॉर्मल पीपल हैं उन लोगों ने अपनी इन दिनों में डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल मैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी मटन और बीफ जितना मर्जी खा लूँ, नहीं, आपने भी एक मॉडरेशन में ही खाना है, क्योंकि अगर हम एक्सेस इन चीज़ों को खाएं एक ही साथ, मतलब 2-3 जो ईद के दिन में इनमें ही ज़्यादा कंजप्शन कर लें तो हम लोग को पेट की बीमारियाँ हो सकती हैं, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप लोगों ने भी कंट्रोल में ही खाना है, और जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड इश्यू, किडनी इश्यूज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट इश्यूज़, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़, इन सब ने खास तौर पे बहुत कंट्रोल करके मटन और बीफ को खाना है, क्योंकि इनके अंदर हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो उनकी सेहत के लिए नहीं अच्छे।
कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को तो मैं लाजमी कहूँगी कि हाई फैट चीज़ों को या ऑयली चीज़ों को, तली हुई चीज़ों को और बीफ की कंजप्शन कम से कम कर दें, क्योंकि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वो किसी भी तरह की तली हुई चीज़ें या बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो इन ईद के दिनों में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंजप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दावतें वगैरह होती है और उसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत इस्तेमाल होता है, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल भी प्लीज़ इस्तेमाल मत करें, ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सिर्फ आपकी सेहत को ख़राब कर रही है और लेटर ऑन इसकी वजह से बोन इश्यूज़ हो सकते हैं, शुगर के इश्यूज़ हो सकते हैं या चलने फिरने में जो इश्यूज़ होते हैं वो सारे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही होते हैं। आप यही देख लें कि एक सॉफ्ट ड्रिंक के कैन के अंदर ऑलमोस्ट 9 टेबलस्पून शुगर होती है, तो इसी से आप हिसाब लगा लें कि ये आपकी सेहत के लिए कितना बुरा है। इसके अलावा ये कि आप लोग ने इस ईद पर वाटर की इनटेक भी कोशिश करने के ज़्यादा रखें और दिन में एक दफ़ा कहवा ज़रूर लें, बेशक बाकी डाइट आपके बाकी लोगों की तरह ही है, जिस तरह से आप ले रहे हैं आपने भी वैसे ही लेनी है, लेकिन कहवा ज़रूर लेना है आपने ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो अच्छी रहे। सौंफ पुदीना और नींबू का कहवा ले लें, वो सबसे अच्छा होता है, बेशक शाम को ले लें या रात को ले लें। ठीक है जी। आई रियली होप कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी और आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में पूछेंगे, मैं वहीं जवाब दूंगी। बाकी ये कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबको सेहतयाब रखे और अपने एग्जाम मान में रखे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।